चलो भाई, पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे थे हम, हाई कोर्ट्स का टॉपिक कल पढ़ा था और रिट्स के बारे में लास्ट बात हुई थी। अब जल्दी से जहां सीट मिल रही है बैठ जाओ, मुझे बार बार ये ना कहना पड़े कि चुप हो जाओ। मुझे रोज ना टोकना पड़े आके, अपने आप यूं देखा करो कि टीचर आ गया, चुप हो जाएं। कल रिट्स पढ़ी थी लास्ट, कौन कौन रिट्स को भेज सकता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। कितने टाइप की हैं ये मेन? इनके बारे में कहाँ लिखा हुआ है? ये रास्ता खुलता है आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226। 226 किस तरफ जाने की बात करता है? हाई कोर्ट। और आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट आपके देश में लगभग इर्द गिर्द मिलेंगे, क्योंकि कितने हैं? 25। कईयों का साझे में है। साझे की बात करने की बात कौन कर सकती है? संसद। नंबर ऑफ जजेस किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? राष्ट्रपति। ये कल हमने सारी चीज़ें देख ली। पांच तरह के रिट्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। पहली का नाम था किसी को अगर बंदी बना लिया जाए, किसी आदमी को पकड़ के बंदी बना लिया तो उसको प्रत्यक्ष पेश करो। क्या नाम था इसका? बंदी प्रत्यक्षीकरण। इंग्लिश में इसी को आपने कहा था हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस विदेशी भाषा का शब्द है, अंग्रेजी का नहीं है ना हिंदी का। दूसरा परमादेश। कितने घंटे में पेशी थी इसमें? परम आदेश किसको दिया था? ये किसी बड़े अधिकारी या कह देंगे किसी पदाधिकारी को जो पद पे बैठा है। और ये काम कराने के लिए था या काम रुकवाने के लिए? काम नहीं करता अपना, इससे काम करवाना है। तीसरा एक ज़्यादा ही बढ़ चढ़ के काम करता था, जो पावर नहीं थी वो वाली भी, हाँ उसे क्या कहते हैं? क्यूओ वॉरेंटो। ये इंग्लिश में इस तरह से शब्द आते हैं ज़्यादातर, हिंदी में हमने इसको समझने के लिए कह दिया ये अधिकार पृच्छा, यानी किस अधिकार से काम कर रहे हो ये पूछेंगे उससे। चौथा हाई कोर्ट ने या किसी सेशन कोर्ट ने, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने गलती कर दी और ऐसा मामला जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं था उसको अपने पास ले लिया, तो ऊपर से क्या लगवाया जाएगा? प्रतिषेध। काम को बीच में रोक दो, ये तुम्हारे क्षेत्र का काम नहीं है। अच्छा, काम रुकवाने की जरूरत नहीं पड़ी, पहले रिजल्ट आ गया, सब डिसीजन हो गया, 4 साल बाद कोई जागा तो वो क्या कहलाएगा? उत्प्रेषण। उत्प्रेषण को ही कहते हैं सर्शरी। सर्शरी ये 5 शब्द थे आपके, ठीक है, ये कल पढ़ा दिए थे। किन आर्टिकल्स के तहत इन पे काम होता है? 226 अगर हाई कोर्ट है और 32 अगर सुप्रीम कोर्ट है। हम हाँ जी मैंने शायद कल बताया था कि एक तो कोई दूर से पकड़ा जाए तो उसकी आवाजाही में 24 घंटे काउंट नहीं होते, और अगर कोई फ्राइडे को पकड़ा जाता है तो सैटरडे और संडे नहीं बैठते मजिस्ट्रेट और ये, तो इसलिए पुलिस ज़्यादातर ऐसा करती है। अच्छा ठीक है, ये कल मैंने बताया था वैसे पेंशन वाला पॉइंट। चलो देखो, अभी इसने पूछा कि कोई फ्राइडे को पकड़ा जाए, ज़्यादातर तुम देखना पुलिस जब पकड़ती है ना, जैसे पुलिस को पहले पता होती है बहुत सारी चीज़ें, और ऐसा मत सोचो कि पुलिस अनजान होती है। शनिवार इतवार ज़्यादातर ऑफ रखा जाता है, ज़्यादातर जो ये कोर्ट्स होते हैं ना ये बंद रहते हैं, जो सेशन और ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह होते हैं। तो आप बहुत बार ऐसा पढ़ते हो कि फ्राइडे को किसी को पुलिस ने पकड़ा, मंडे को उसकी पेशी करवाई। वो ये नहीं कह सकता कि मुझे 24 घंटे में क्यों नहीं पेश किया, क्योंकि उस टाइम पर छुट्टी थी, वहाँ पर थे ही नहीं जजेस, तो कहाँ से पेश करते। हाँ बोलो, कोई कुछ पूछ रहा था, क्या था, क्या बंद हो जाएगी? आपातकाल लगेगा तो किसको? मंत्रिपरिषद को। अगर हमेशा के लिए चली गई, बैठो, विधानसभा की बात करो, लोकसभा की, ठीक है बैठो। ये पूछ रहे हैं विधानसभा कहीं पे अगर भंग हो गई, देखो विधानसभा भंग होने के ना एक सबसे बड़ा कारण होता है किसी भी राज्य में अगर कोई भी चीज किसके अकॉर्डिंग ना चल रही हो, संविधान। जब ये विधानसभा भंग की जाए तो इसमें ना बहुत बड़ा हाथ 2 लोगों का हो सकता है, या तो सीएम ने जानबूझ के भंग करवा रखी है, या राज्यपाल ने नेगेटिव रिपोर्ट दे रखी है। दिल्ली में जो बैठी, मतलब सेंट्रल लेवल पे जो सरकार है वो अलग पार्टी की है, राज्य की सरकार अलग पार्टी की। बहुत बार ऐसा होता है सीएम भी, मान लीजिए इलेक्शन आ गए सर पे, 4.5 साल पूरे हो गए, 6 महीने रहते हैं, सीएम को लगता है सब कुछ मेरे फेवर में है और अगर मैं अब इलेक्शन करा दूं तो 100% वोट मेरी तरफ जाएंगे, वो 6 महीने वेट नहीं करता। बहुत बार ऐसा होता है किसी किसी राज्य में पूरे 5 साल से पहले ही इलेक्शन कंडक्ट करा दिए जाते हैं, उस कंडीशन में सीएम अपने राज्य की राज्यपाल से कह के विधानसभा भंग करवा देगा। विधानसभा भंग जब होती है ना तो जनरली ऐसा होता है कि अगर भंग हो गए तो 6 महीने में नए इलेक्शन करवाने ही करवाने हैं, तो ऐसी कंडीशन में इन लोगों को सैलरी नहीं मिलती फिर, अगर ये कि भाई इलेक्शन आने ही आने हैं, उस कंडीशन में इन लोगों को फिर पेंशन दे दी जाती है। अगर तो ये 1 साल के अंदर हो गई है, मान लीजिए ये है कि दोबारा से यहाँ राष्ट्रपति शासन हटेगा और दोबारा से काम चलेगा, उस कंडीशन में इनको सैलरी दी जाती है। ज़्यादातर ये 99% केसेस ऐसे होते हैं जहाँ राज्यपाल को कह के सिफारिश करके पीएम और सीएम, पीएम लोकसभा भंग करवा देता है और सीएम विधानसभा। एक एग्जाम्पल ऐसे समझो, अभी मोदी जी के विरोध में लहर है पूरे देश में, लेकिन आप देखना 2024 आते आते 2023 में बहुत सारे कंडीशन ऐसी पैदा कर दी जाएंगी कि लोगों के मन में मोदी जी के प्रति फिर से एक सॉफ्ट कॉर्नर पैदा
खड़ा हो जाएगा। और आप देखना कोई बड़ी बात नहीं है, 2024 के मई में इलेक्शन ना हो उससे पहले करा दिए जाएं। अगर स्थिति उनको लगा हमारे कंट्रोल में है तो आपके देखते देखते 2024 के इलेक्शन जो 19 से 24 में अगर देखें तो मई में पूरे 5 साल होंगे। लेकिन अगर सरकार की स्थिति जनवरी फरवरी में स्ट्रांग हुई ना तो सरकार लोकसभा को भंग करवा देगी और फिर इलेक्शन करवाएगी। ये हर सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। कभी कभी कंडीशन ऐसी होती है कि सारी हमारे फेवर में, हमारी सरकार आनी ही आनी, तब ये लोग इसको भंग करवा देंगे। तो अगर ये आगे नहीं आने की उम्मीद जिनकी है ये पेंशन पे आ जाएंगे, और अगर ये दोबारा से बहाल हो जाती है तो फिर तो सैलरी लेते रहेंगे। डिपेंड करता है कि वो दोबारा आए कि नहीं आए। किसी ने ब्रांच से पूछा, क्या पूछा कि पेंशन के बारे में क्या क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था पेंशन के बारे में? एक और भी कोई कुछ बोल रहा था, शायद कोई कुछ पूछना चाह रहा था, क्या क्वेश्चन? हाँ ठीक है, वो पूछा उन्होंने अगर किसी जज को हटा दिया जाए तो क्या उसको पेंशन मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी पेंशन, बिल्कुल मिलेगी पेंशन, मिलती रहेंगी। इनकी पेंशन बंद नहीं होती, ना इनकी सैलरी घट सकती और ना इनकी पेंशन बंद हो सकती। कल एक बच्चे ने और किसी ने पूछा था, मैजिस्ट्रेट में, लॉयर में और एडवोकेट में क्या डिफरेंस है? आम आदमी के लिए ये बराबर हैं, इन दोनों को पीछे वालों की बात करते हैं, इसको भी छोड़ देते हैं। लॉयर और एडवोकेट तुम्हारे लेवल पे बराबर ही है, हमें कोई यहाँ पे लॉ की क्लास नहीं पढ़नी, पर फिर भी एक जैसे मन में क्वेरी आ गई तो थोड़ी सी बात जान लेते हैं, बेसिक सी बात। लॉयर कोई भी स्टूडेंट जो LLB पढ़ लेता है वो लॉयर कहलाता है, क्योंकि वो क्या पढ़ के आ गया, इसने कोई प्रैक्टिस नहीं की, इसको कोई एक्सपीरियंस नहीं, कभी कोर्ट में नहीं गया। LLB के बाद एक एग्जाम होता है, उस एग्जाम को देने के बाद, पास करने के बाद, आप जानते हो ना वकील बार के मेंबर्स होते हैं, सुना है, बार के, बार काउंसिल के मेंबर, अध्यक्ष चुनाव भी होते हैं। ये बार काउंसिल का एक पेपर होता है, जो LLB कर गया स्टूडेंट वो लॉयर है, वो लॉ पढ़ाया, वो इस बार के पेपर को देगा, आसान सा ही होता है, सारा किताबों में से आता है, उसको वो पार कर गया तो वो बार का मेंबर बन गया, बार काउंसिल का मेंबर। और जो बार का मेंबर है उसको ये पावर मिल गई कि वो कोर्ट के केस लड़ सकता है, तो वो कह देता है कि भाई अब मैं एडवोकेट बन गया। एडवोकेट वो होते हैं जिन्होंने लॉ पढ़ने के बाद बार का पेपर पास करके एक सदस्यता ग्रहण कर ली। हम आम लोगों के लिए बराबर ही हैं, उतनी डिटेल में हमसे पूछेंगे नहीं, पर एक बेसिक सा अंतर मैंने आपको बताया, जो पढ़ाई कर ले वो लॉयर बन गया, और जो उस पढ़ाई के बाद बार का मेंबर बन जाए, जो केस लड़ पाए, वो क्या बन गया? पर आपने मूवीज में, नाटकों में देखा, कहते मैं इसका लॉयर हूं, ये केस मैं लड़ रहा हूं। तो आम आदमी के लिए लॉयर और एडवोकेट एक बराबर ही है, ज्यादा अंतर नहीं है, बेसिक बात मैंने आपको बता दी। किसी ने पूछा कि मजिस्ट्रेट में और जज में क्या अंतर है? जज वो होता है जो जजमेंट कर सके, मजिस्ट्रेट बहुत छोटे लेवल पे होते हैं। मजिस्ट्रेट जो होते हैं ना ये बहुत बड़े केसेस नहीं देखते, लेकिन छोटे मोटे केसेस जो आपके टाउन में, आपके शहर में होते हैं वो मजिस्ट्रेट देख लेते हैं। मजिस्ट्रेट एक तरह से जैसे IAS IPS बनते हैं ना, इस तरह के एग्जाम्स कंडक्ट किए जाते हैं और फिर मजिस्ट्रेट बनते हैं। ये पेपर दे के एग्जाम पास करके बना जा सकता है। मजिस्ट्रेट को कोई बहुत ज़्यादा लॉ का नॉलेज होना जरूरी नहीं है, ये छोटे लेवल पर काम करेगा। इस आदमी को करनी है जजमेंट, इसको बहुत ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए, इसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, और जज का रैंक ज़्यादा ऊँचा माना जाता है किसके मुकाबले, और फिर जज ही आगे जाके क्या बन जाते हैं, जस्टिस। कभी चीफ मजिस्ट्रेट ऑफ इंडिया नहीं सुना, ना चीफ जज ऑफ इंडिया, क्या पढ़ते हैं हम, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जस्टिस सबसे बड़ी हस्ती मान लो, और इनको कह देते हैं कि ये न्याय की मूर्ति हैं, ये जो करेंगे वो सही करेंगे। तो मजिस्ट्रेट बहुत छोटे लेवल पे होते हैं, जज उससे बड़े में, हाई कोर्ट में जज बैठते हैं, और ये जो जस्टिस हैं ये सबसे बड़े लेवल पर हैं। मजिस्ट्रेट की बराबरी इनसे नहीं कर सकते, छोटे सारे मामले ये देखते हैं। जैसे SDM का नाम सुना होगा, है ना, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट बनने के लिए वैसी पढ़ाई नहीं करनी जो ये पढ़ते हैं, ये लोग तो पूरे लॉ को पढ़ के और बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके फिर सारे बार काउंसिल के मेंबर बन के फिर केसेस लड़के फिर इनका एक्सपीरियंस होता है, किसी का 5 साल का जज का, किसी का 10 साल का वकील का, तब जाके इनकी एंट्री होती है हाई कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट में एक्सपीरियंस के बाद इनकी एंट्री होती है सुप्रीम कोर्ट। ये अलग रास्ते हैं दोनों, समझ गए इतनी बात? ठीक है, आज आगे पढ़ेंगे। कल क्या टॉपिक था, देखो जरा कहाँ छोड़ दिया था। हाँ, जो सरकारी है, नहीं देंगे ऐसा नहीं है, अगर उसकी बहुत ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड, क्या करें उसका रोज़ अखबारों में नाम आता था। एक्चुअली सरकार जो है ना पहली चीज़ प्रेफरेंस में रखती है कोई सरकारी महकमे से आए, क्योंकि उसको एक कोड ऑफ कंडक्ट की अकल है, उसको समझ है, बराबरी है, बराबरी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर एक होता है ना मन से किसको, तो वो पहली प्रेफरेंस में उठाएंगे सरकारी को, बराबर। गवर्नमेंट, प्राइवेट तो जितनी बड़ी आसामी पकड़ेगा उतने रुपए कमा लेगा, सरकार की एक लिखित सैलरी उतनी ही मिलेगी। अब ये 2.5 लाख 2.25 लाख, प्राइवेट वाले तो 10 लाख भी दे देंगे, डिपेंड करता है। अंबानी का जो लॉयर एडवोकेट होगा, तुम्हें क्या लगता है 2 लाख रुपए का होगा? उसका एडवोकेट जो होगा वो अगर करोड़ रुपए भी लेता हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उसके केसेस भी तो अरबों खरबों के हैं ना। ये डिपेंड करता है कि किस तरह से, किस बड़े आदमी का वो एडवोकेट है। कल मैंने राम जेठमलानी का शायद नाम लिया था, है ना, नहीं बताया। राम जेठमलानी बहुत बड़े क्रिमिनल इसके लॉयर थे, एडवोकेट थे, और उनके पास ये कहते थे जो चला गया वो बच गया। उनके सारे जितने बड़े क्रिमिनल्स थे ना, जो पैसे वाले, वो सब भाग के उनके पास पहुंचते थे, वो जिसका केस लड़ते थे वो जीतना 100% श्योर था। तो ये प्राइवेट वाले पैसा बहुत ज़्यादा कमा लेते हैं सरकारी के मुकाबले। चलो देखो जरा कल हमने कितना पढ़ लिया था, एक बार बताओ, पेज 204 कर लिया था पूरा? अच्छा, कितना पढ़ा था ये बंदी, ये तो पूरा हो गया था ना,
रिट्स पूरे कर लिए थे, अपीलीय क्षेत्राधिकार रह गया, ये रह गया था, ठीक है, ये मैंने आपको समझा सारा रखा, एक बार बोर्ड पे देख लो फिर भी ताकि दिक्कत ना रहे। क्या छोटे कोर्ट्स जो होते हैं, दो तरह के कोर्ट्स हमें पता है, एक को हम कहते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और एक को हम कहते हैं सेशन। सेशन कोर्ट क्या होते हैं, जो कौन से मामले देखते हैं, क्राइम वाले। क्राइम वाले कौन से होते हैं, फौजदारी और जो वसीहत, शादी ब्याह, गोद लेना, जमीन नाम चढ़ाना, ये सब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इनको आप कहते हैं दीवानी मामले। तो दीवानी मामले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और सेशन। मान लो सेशन जज ने कह दिया इस आदमी ने बहुत बड़ा क्राइम किया, इसको फांसी देनी है, अगर सेशन जज ने या सेशन कोर्ट में उसको फांसी की सजा हुई तो क्या उसकी पुष्टि हाई कोर्ट से करानी जरूरी है? जरूरी है, ये हमें पता है। वो पुष्टि वैसे भी करानी पड़ेगी सरकारी स्तर पर भी, और अगर जिसको फांसी हुई है वो भी चाहे तो अपना केस कहाँ डाल सकता है, अपने संबंधित हाई कोर्ट में। अपीलीय अधिकार है, क्या हाई कोर्ट के बाद भी कोई कोर्ट जा सकते हैं? कौन से कोर्ट में? सुप्रीम कोर्ट। इसके बाद अपील है कहीं? नहीं। ये क्या कहलाता है? अंतिम अपीलीय, लास्ट अपील आप करेंगे। इसके बाद अगर आप खुश नहीं हैं और आपको लगता है मेरा केस सच्चा था लेकिन मेरे साथ नाइंसाफी हुई, तो आपकी कोई नहीं सुनने वाला। ये अंतिम अपीलीय न्यायालय है। हाई कोर्ट राज्य के स्तर पर बेशक बड़ा है लेकिन हाई कोर्ट के खिलाफ भी जा सकते हैं आप। सुप्रीम कोर्ट में कोई भी जा सकता है अगर उसे क्या करनी है, तो अंतिम अपील। लेकिन पहले स्टेज में वो सुप्रीम कोर्ट उसके लिए रास्ता नहीं खोलता। सिर्फ एक कारण से सुप्रीम कोर्ट तुम्हारे मेरे लिए खुला है और वो है हमारे मौलिक अधिकार। या अंतिम अपील करनी हो, अंतिम अपील का मतलब समझते हो, आदमी वैसे ही बुढ़ापे की तरफ चला जाता है, कोर्ट के पास इतना टाइम बिल्कुल नहीं है कि आप सबके एक एक मामले को वो तवज्जो दे। उसके पास देश के इतने मामले हैं, आम आदमी के मामले कौन सुनने लग गया? सन 2000 में, कहते हैं जब 2000 था, जब तुम लोगों का बर्थ ईयर के हेरफेर की घटना, तुम या तो पैदा हुए थे या एक दो साल के थे, उस टाइम तुम्हारे कोर्ट्स में ना 3 करोड़ केसेस पेंडिंग थे। 3 करोड़ केसेस में सोचो कितने लोग इन्वॉल्व थे, ये पेंडिंग थे। फिर सरकार को लगा ये तो रोज़ बढ़ते जाएंगे, क्योंकि ये तो रोज़ धीरे 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 भाई 3 से 4 होंगे, 5 होंगे, 10, फिर तो बड़ी दिक्कत आएगी। इसलिए सरकार ने कहा कि हाई कोर्ट्स के काम को थोड़ा सा कम करते हैं और कुछ कोर्ट बना देते हैं फास्ट ट्रैक अदालतें। अखबारों में आता ना फास्ट ट्रैक अदालत में ये निर्णय लिया गया। फास्ट ट्रैक अदालतें किस सन में जाके सामने आई? अप्रैल 2001 में, क्योंकि 3 करोड़ केसेस आपने कब देखे? सन 2000 में। फास्ट ट्रैक अदालतों को कहा इनमें जजेस बैठेंगे, हाईली क्वालिफाइड होंगे और जो एक्सपीरियंस जजेस हैं उनको यहां तक का रास्ता दिखाएंगे। सरकार ने देखा इन कोर्ट्स ने बहुत अच्छा काम किया, फटाफट से जो खासकर बड़े क्राइम थे ना, जो बहुत बड़े लेवल पे थे, जिनमें कि महिलाओं से जुड़े क्राइम ज्यादा प्राइमरी फोकस में रखे और बच्चों से, और फटाफट से उनके फैसले करवाए। और सरकार ने यह देखा कि इन्होंने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया, तुरंत 4-5 महीने में फास्ट ट्रैक के जो कोर्ट थे इन्होंने मामलों को निपटा दिया। तो सरकार ने कहा इनमें हम पैसा भी खर्च कर देंगे, कितना ही, 80 करोड़ कहते हैं रुपए खर्च कर दिए थे सरकार ने एक साल में, कि फटाफट से जजेस को बुलाया, पैसे दिए और फटाफट निकालो केसेस को, क्योंकि 3 करोड़ केसेस निपटने कभी आ ही नहीं सकते और वो 3 से 5 होते देर नहीं लगेगी और 5 से 10 होते, फिर दुनिया भी तो हंसेगी, इनके कोर्ट देखो 10-10 करोड़ लोग यहाँ परेशान हैं, 10 करोड़ केसेस हैं। सोचो एक केस में 10 आदमी कम से कम इन्वॉल्व होते हैं, अगर महिला और उसके हस्बैंड का केस है तो उनके पूरे पूरे परिवार, कम से कम 2 लोग तो हैं ही हर केस पे, और हो तो 20 भी हो 30 भी, तो कितनी करोड़ों की आबादी तुम्हारी दुखी थी। इसके लिए कौन से कोर्ट्स बनाए गए? ऐसे ही एक कोर्ट बना दिए थे बहुत पहले, लोक अदालत, इसके बारे में बताया था मैंने। लोक अदालत, लोक अदालत क्या होती है? ये आपके फैमिली डिस्प्यूट्स को जल्दी से निपटाती है। फैमिली डिस्प्यूट क्या होता है? कुछ नहीं निकलता, कोई लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, बस थोड़ी सी कहां सुनी हुई और वो कोर्ट केस कर दिया, वहां से लड़की वालों ने, वहां से लड़के वालों ने, फिर वो लड़े जा रहे, लड़ते, तो उन्होंने कहा इधर ले आओ ये मामले लोक अदालत में। इनमें भी जजेस बैठते हैं, वो आपको सही सलाह देंगे। लोक अदालत भी जल्दी निपटा देती है और कोशिश करती है कि मामला बहुत लंबा चौड़ा ना खींचे। लेकिन एक खास बात यह है कि इनके खिलाफ आप नए कोर्ट में या अपने जो हाई कोर्ट है इसमें फिर से खड़े हो सकते हैं। तो बहुत लोग तो लोक अदालत में समझ जाते हैं कि यार अगर इस जज ने मेरे लिए ये फैसला सुनाया तो बड़े कोर्ट में भी यही होगा, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि नहीं, लोक अदालत ने ऐसा किया, मैं इससे बड़े कोर्ट में जाऊंगा, फिर यहां ऐसा हो मैं इससे बड़े में जाऊंगा। कुछ लोग होते हैं जो केसेस को लटकाते हैं, अदरवाइज ज्यादातर लोग या तो फास्ट ट्रैक कोर्ट से निपटा दिए जाते हैं या लोक अदालत, जरूरत पड़े तो डिस्ट्रिक्ट और सेशन, और सेशन से कोई दुखी है तो फिर वो हाई कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट से दुखी है तो वो सुप्रीम कोर्ट। आपके यहां ना ये ट्रायंगल जैसा है, आपकी जो न्याय व्यवस्था है ना वो ऐसे है, इसमें सबसे ऊपर क्या बैठा है? सुप्रीम कोर्ट। इसके नीचे क्या है? हाई कोर्ट। इसके नीचे है अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ मतलब छोटे कोर्ट्स, जिसमें आपको पता है दीवानी मामले देखे जाते होंगे, और फौजदारी, डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट्स। फिर यहाँ और लोअर लेवल पे आपने क्या बना दी? लोक अदालतें, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, ये लेटर स्टेज में बनाए, जब आपको लगा कि केस निपटने में ही नहीं आ रहे। तो सन 2000 के बाद जैसे जैसे इंसान को पता चलता गया मेरी पावर है, RTI लगने के बाद तो हद ही हो गई, इतने केसेस चल पड़े, राइट टू इन्फॉर्मेशन के चक्कर में कोई भी किसी पे भी केस कर देता है। आप दूर मत जाओ, कितने स्टूडेंट्स जो कैंडिडेट होते हैं ये सरकारी पेपरों पे नहीं केस कर देते, सरकार पे केस कर दिया, पढ़ते तो हो, कई इकट्ठे हुए बच्चे उन्होंने सरकार पे केस कर दिया, जी ये क्वेश्चन गलत था, इसका आंसर हमें गलत दिया गया और पेपर में हमारा एक नंबर से हमारी नौकरी रह गई। तो आप सोचो RTI ने केसेस की संख्या को कितना बढ़ा दिया। इसलिए फास्ट ट्रैक कोर्ट अलग आ गए, लोक अदालतें अलग आ गई और कुछ चीजें और डेवलप कर दी। ट्रिब्यूनल्स, सुने हैं ट्रिब्यूनल्स? ये क्या होते हैं?
जैसे NGT का नाम बहुत फेमस है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण. प्राधिकरण एक और न्याय का ही एक पार्ट है. और ट्रिब्यूनल्स में भी जजेस बैठते हैं, ज़्यादातर ये लोग होते हैं रिटायर्ड जजेस. इनको एक काम दिया जाता है, जैसे NGT बेस्ट है आज के टाइम में सीखने के लिए. 2010 में बना था, आपकी केंद्र सरकार को फील हुआ कि ग्रीनरी बहुत काटी जा रही है, प्रदूषण बहुत बढ़ाया जा रहा है, तो इन्होंने संसद में बहस करके और एक बिल पेश किया और विधेयक कानून बना दिया कि हम एक ट्रिब्यूनल बना रहे हैं, एक प्राधिकरण बना रहे हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल. ये क्या काम करेगा, जो ग्रीनरी को खत्म करने का कारण है उन सबकी खबर लेगा, ये ग्रीनरी को खत्म करने का या पोल्यूशन को बढ़ाने का. तो NGT हर साल बैठकें लेता है, ये नजर रखता है हर स्टेट पर, नेशनल लेवल का है ये. और जैसे ही आपके यहाँ ये धान कटेंगे ना, तब देखना आप पंजाबी अखबारों में रहेंगे फ्रंट पेज पर, पंजाब हरियाणा, और जब दिवाली आएगी ना तो दिल्ली और UP, इनके CMs की लगातार बैठक करवाता है NGT, और बुला के इनको फटकार लगाता है, डांटता है. क्यों? क्योंकि जैसे ही आपके यहाँ अक्टूबर और नवंबर आएगा, यहाँ धान कटेंगे, एक तो पंजाब और एक हरियाणा, इतना ज़्यादा धान कटने के बाद पोल्यूशन बढ़ा देंगे दोनों स्टेट कि इनके CMs को डांट पड़ती है हर बार. और इसीलिए हरियाणा के CM ने आपके यहाँ पर किसानों को पिछले साल भी इस साल भी कि आप जितना हो सके धान बोने को अवॉइड करो, धान मत लगाओ. एक एकड़ ज़मीन पर आपको किसानों को 7,000 रुपये देने का वादा हरियाणा सरकार करती है, ताकि आप धान ना लगाएं, कुछ और लगा लो, सब्जी लगा लो, कुछ भी फल लगा लो, लेकिन धान मत लगाओ. इतने मत लगाओ जिससे कि ये बाद में अक्टूबर में डांट पड़ने का काम आए. दिल्ली में दिवाली पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा फैलता है, और यूपी में धान है बहुत ज़्यादा हमारी तरह. तो इन सबको डांट पिलाना, भाई तुम क्यों नहीं ध्यान रखते हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे, तुम ग्रीनरी को खत्म कर रहे हो, पोल्यूशन बढ़ा रहे हो. इसके लिए ट्रिब्यूनल बना दिया था. कौन सा ट्रिब्यूनल? NGT. ये एक एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे ट्रिब्यूनल टाइम टू टाइम गठित किए जा सकते हैं ताकि गड़बड़ियाँ ना हो. यहाँ भी जजेस ही हैं और इनकी भी रिस्पेक्ट करनी है. ज़्यादातर ट्रिब्यूनल में वो जजेस रखे जाते हैं जो रिटायर्ड या तो हाई कोर्ट के जजेस हैं या सुप्रीम कोर्ट के. समझ में आ गया ये? आपके देश में जैसे हर चीज का एक कोरम होता था ना, कोरम याद है? मिनिमम नंबर ऑफ MP जो प्रेजेंट होने चाहिए MLA, कितना था ये? 1/10 ना हर किसी का. आपके यहाँ सुप्रीम कोर्ट का भी कोरम है, कितने जजेस कम से कम आए ताकि केस सॉल्व हो जाए. तो कहा गया एक से नहीं काम चलेगा, कम से कम 3 जजेस प्रेजेंट हो, और जब बेंच बनेगी राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए तो कम से कम 5 जजेस की बनेगी. एक आदमी सलाह नहीं देगा, कितने कम से कम देंगे? 5. अगर कोई मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में आता है बहस के लिए तो उस पर सबसे छोटी बेंच 5 की बनाई जाती है. इसके अलावा 7 की बनती है, 9 की बनती है, 11 की और 13 की. आज तक सबसे बड़ी बेंच कितने की बनी थी? 13. और इतना बड़ा मामला था 1973 का, इसे कहते हैं केशवानंद भारती मामला. मौलिक अधिकारों तक पे बात आई थी और बहुत सारे छोटे छोटे चेंजेस आपके संविधान की प्रीएम्बल में, प्रस्तावना में किए गए. आज तक इतना बड़ी बेंच कभी नहीं बनी. किस सन में बनानी पड़ी थी? इंदिरा गांधी तुम्हारे देश की प्रधानमंत्री थी, और ये वो दौर था जिस टाइम ये माना गया कि कॉन्स्टिट्यूशन नाम की किताब का लिखा पहला पेज, जिसको आप कहते हैं संविधान की प्रस्तावना या प्रीएम्बल, ये संविधान का अभिन्न अंग है, और जो इसमें लिखा है वो आपको मानना पड़ेगा. यानी कॉन्स्टिट्यूशन का जिस पेज को हम वेस्ट मानते थे, उसको इसका एक इंपॉर्टेंट भाग मान लिया गया. कौन से ईयर में जाके? 1973. यानी 1950 से 1973 इस पेज की कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी 23 साल तक. 1950 में आपने इस पेज को देखा होगा, और 73 में जाके सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि केशवानंद भारती मामले में कि आपके संविधान की प्रस्तावना का जो पार्ट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है. तो इस तरह के बहुत सारे केसेस होते हैं जिनमें इतनी बड़ी बात बन जाती है कि जजेस को बैठना पड़ता है. अभी जो आपका ये मंदिर वाला था ना, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बेंच बनी थी, राम मंदिर वाला. ऐसा बहुत बार होता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बेंच बनती है. कम से कम जजेस कितने होने चाहिए? 5. हमेशा ऑड नंबर रखा जाता है ताकि अगर आधे आधे बटे तो एक तरफ कोई सा पलड़ा भारी रहे. ठीक है, चलो थोड़ा पढ़ते रहेंगे फिर और पॉइंट्स निकलेंगे, बता दूंगी. पेज 204 पर आ जाओ. अपीलीय क्षेत्राधिकार, अपीलीयट ज्यूरिसडिक्शन, पहला पॉइंट देखो. हाईकोर्ट अपने अधीन न्यायालयों के निर्णयों की अपीलें सुनता है जिनमें दीवानी कौन से मामले होते हैं? पैसे वाले, कोई पैसा, कोई शादी ब्याह, वसीहत है, प्लॉट है, लड़ाई झगड़े टाइप के. तो ये हो गया दीवानी. फौजदारी में क्या होते हैं? क्राइम. जहां क्राइम आ गया फौजदारी है. राजस्व संबंधी सभी प्रकार के अभियोग. फौजदारी मुकदमों में, क्रिमिनल मुकदमों में सेशन कोर्ट द्वारा दिए गए मृत्युदंड के आदेश पर हाई कोर्ट की पुष्टि आवश्यक है. तो क्या ये सेशन कोर्ट जिसको फांसी की सजा देगा उसको हाई कोर्ट से पुष्टि मिलनी जरूरी है? अदरवाइज तो रोज फांसी चढ़ेंगे लोग. ये हाई कोर्ट के पास एक बार नॉलेज में डालना, ये केस था, ये आदमी था, ये मेरे पास सबूत, इस बेसिस पे मैंने इसको फांसी की सजा दी. नेक्स्ट, एक पॉइंट छोड़ के अगला पॉइंट टिक कर लो. नहीं, अगला ही टिक कर लो, इससे अगला ही. इसके अतिरिक्त हाई कोर्ट के ही एक न्यायाधीश के निर्णय के विरुद्ध हाई कोर्ट में पुनः अपील की जा सकती है. एक पॉइंट छोड़ के अगला पॉइंट टिक करना. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिए गए मृत्युदंड की पुष्टि हाई कोर्ट द्वारा आवश्यक है. जो छोटे कोर्ट हैं इनके मृत्युदंड के बाद आप केस कहाँ डाल सकते हैं? हाई कोर्ट में. अगला भी टिक कर लो. संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई मुकदमा.
लेख जारी करने का अधिकार, लेख मतलब रिट्स, कितने टाइप के रिट्स थी, 5। वैसे मैं आपको बता दूं हाई कोर्ट को 6 रिट्स जारी करने का अधिकार है, एक इंजंक्शन भी रिट होती है लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ अंडरलाइन कर लो, अनुच्छेद 226 के द्वारा हाई कोर्ट को मौलिक अधिकारों को लागू करने और अन्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लेख जारी करने, आदेश जारी करने और निर्देश जारी करने का अधिकार है। नेक्स्ट पेज पर आ जाओ, हाई कोर्ट एक रिकॉर्ड रखता है, कल मैंने बताया था आपको ये, इनके सारे मामलों का क्या रखा जाता है, रिकॉर्ड, लिखित में है, आज तक जितने मामले देखे आप, देखो सुप्रीम कोर्ट कब बना था आपका, आज आप बैठे हो 2021 में, कितने साल बीते, 71 साल, 71 साल का हर एक केस रिकॉर्ड रखा है, हर एक की फाइल है, कोई भी केस देखा जा सकता है, इसको मानते हैं ये एग्जाम्पल हैं, जितने छोटे कोर्ट हैं ना वो इन सब एग्जाम्पल्स को पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर वहाँ मजिस्ट्रेट और जितने जज बैठे हैं वो फैसला देते हैं। तो कभी भी देखना जब बड़े कोर्ट, बहुत बड़ा कोई मुद्दा होता है ना, तो वहाँ ये दलील दी जाती है कि फलां सन में उस हाई कोर्ट में ये केस था, उस जज ने ये जजमेंट दी थी, इसका मतलब सब चीज़ों का क्या रखा गया है, रिकॉर्ड, ये एक एग्जाम्पल है। 3 नंबर पॉइंट पिछले पेज पर, अच्छा अपील वाले में तीसरा पॉइंट, एक हाई कोर्ट में एक न्यायाधीश के निर्णय के विरुद्ध उसी हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। जैसे बहुत सारे मामले होते हैं, ज़्यादातर तो वैसे ऐसा करते नहीं है क्योंकि उतना ही पैसा वेस्ट होता है, और ज़्यादातर कोशिश भी ये होती है, देखो जैसे एक टीचर है, इसको ऐसे समझो आसान तरीके से, एक टीचर है जिसके खिलाफ आप शिकायत कर रहे हैं वहाँ के प्रिंसिपल को, ज़्यादा चांसेस क्या हैं प्रिंसिपल उस टीचर की शिकायत को, अगर सरकारी स्कूल है तो प्राइवेट वाले तो सुनेंगे, सरकारी स्कूल है तो प्रिंसिपल टीचर की शिकायत सुन के ज़्यादा खुश नहीं होता और वो पेरेंट्स में ही कमी निकालता है, प्राइवेट में तो पैसा लेना तो अलग बात है। आपके हाई कोर्ट्स ने भी आपको आज़ादी दी है, किसी भी हाई कोर्ट में कोई मामला था और मान लीजिए आप उससे नाखुश हैं तो आपके पास दो ऑप्शन हैं, क्या क्या ऑप्शन है, पहला आप सुप्रीम कोर्ट चले जाएं और दूसरा आप उसी हाई कोर्ट में, जैसे मामले ना बहुत सारे होते हैं, कई बार मामला होता है राजस्व संबंधी बट टैक्स से जुड़ा हुआ, कई बार मामला होता है क्राइम से जुड़ा, कई बार मामला होता है वसीहत से जुड़ा, इसके अलग अलग जजेस होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, लेकिन इतना प्रावधान किया गया कि अगर कोई आदमी नाखुश है हाई कोर्ट से तो वो उसी के जज के जस्टिस के खिलाफ जो उसने न्याय दिया उसके खिलाफ एक नई रिफ्रेश करके एप्लीकेशन डाल सकता है। ऐसा करने से फ़ायदा कुछ नहीं निकलता और ना ही आम आदमी ऐसा करता, क्योंकि जिसके पास ये मामला जाएगा उसको पूरी नॉलेज होगी, वो जानता है आपने इस सन में इस हाई कोर्ट में उस जस्टिस के अंडर या उस जज के अंडर ये केस लाए थे, उसने ये कहा था, तो 99.9% इनफैक्ट 100% चांसेस हैं कि आपकी जो अपील है वो नहीं चलेगी। फिर भी ये प्रावधान किया गया, ऐसा होता ना कि भाई एक जज ने पैसा खा लिया, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे साथ न्याय नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट में आपका केस बहुत कम चांसेस हैं पहुंचने के, आप उसी हाई कोर्ट में उसके खिलाफ अपील कर सकते हैं, पर इसमें भी चांसेस ज्यादा फेवरेबल उस जज के जस्टिस के साथ चलेंगे, आपके साथ कोई नहीं होगा। बस ये कहने के लिए प्रावधान है कि आपकी न्यायपालिका इतनी स्वतंत्र है कि अगर आपको लगता है कि मेरे साथ गलत हुआ तो आपको दूसरा प्रावधान दिया गया, वरना इसका यूज नहीं करता कोई भी, पैसा वेस्ट जाता है इसमें बस। चलो 205 पर आ जाओ, उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय, पहली लाइन में टिक करना, अभिलेख न्यायालय रिकॉर्ड सारी चीजें लिखी हैं। सेकेंड लाइन पढ़ लो, इसके निर्णय प्रकाशित किए जाते हैं और साक्षी के रूप में, साक्षी मतलब विटनेस, भाई ऐसा हुआ था हम भी ऐसा कर सकते हैं, साक्षी के रूप में अधीनस्थ कोर्ट में मान्य होते हैं, इसे अपने अपमान के लिए दंड देने का भी अधिकार है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, मैंने शायद कल परसों भी बताया था, कोई इनके खिलाफ ऐसा नहीं करेगा। प्रशासनिक शक्तियों पर आ जाओ, पहला पॉइंट पहुंचो, अंडरलाइन करो, हाईकोर्ट अपने अधीन न्यायालय, कौन से हैं हाईकोर्ट के अधीन, या तो सेशन या तो डिस्ट्रिक्ट और छोटी लोक अदालतें, तो अपने अधीन न्यायालयों और न्यायाधिकरण, ट्रिब्यूनल्स, बताओ क्या होते हैं न्यायाधिकरण, ऐसे कोर्ट जो किसी स्पेशल पर्पज के लिए बना दिए जाते हैं, लिख लो यहाँ, लिखो स्पेसिफिक या स्पेशल, किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए, स्पेसिफिक या स्पेशल मैटर के लिए बनाए जाने वाले कोर्ट, किसी विशेष उद्देश्य से गठित किए गए कोर्ट, ये क्या कहलाते हैं, ट्रिब्यूनल्स या न्यायाधिकरण। एग्जाम्पल लिख लेना, NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010 में बना था, 9 में उसके ऊपर काम हुआ संसद में, 10 में बन गया। चलो इसमें आगे पढ़ेंगे, अपने निरीक्षण के आधार के अंतर्गत वो अपने अधीन न्यायालयों से, अंडरलाइन कर लो, अपने अधीन न्यायालयों से किसी भी मुकदमे से संबंधित कागजात मंगवा कर देख सकते हैं। क्या हाई कोर्ट अपने अंडर आने वाले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कागज फाइल मंगवा कर देख सकता है? बिल्कुल उसको हक है। कोई भी हाई कोर्ट, मान लीजिए चंडीगढ़ हाई कोर्ट है, वो चंडीगढ़ हाई कोर्ट पानीपत हाई कोर्ट, पानीपत जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा ना, इससे कह देगा इस केस की ये वाली फाइल पहुंचाओ, तो इसको पहुंचानी पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट टिक करना, सेकंड लाइन, भारतीय संविधान की व्याख्या का प्रश्न निहित है तो हाई कोर्ट ऐसे मुकदमे को अपने पास मंगवा सकता है। जहां संविधान की व्याख्या करनी पड़ती है, छोटे कोर्ट से बेहतर किसको माना जाता है, या तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। इसके बाद आ जाओ, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति, जुडिशियल रिव्यू, क्या ठीक है क्या गलत। सेकंड पॉइंट टिक करना, अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 226, ये दोनों हाई कोर्ट द्वारा समीक्षा का प्रावधान है, यानी कोई नियम बना दिया, मान लीजिए हरियाणा सरकार या यूपी सरकार कोई नियम बनाती है,
कानून बनाने का अधिकार किसका होता है देश में और राज्य में? क्या कहोगे? विधान मंडल, क्योंकि इसमें विधानसभा भी आ गई, परिषद भी और राज्यपाल भी। अगर इसने कोई गलत कानून बना दिया तो तुम्हारे साथ कौन खड़ा होगा? इसने राज्य सूची के किसी विषय पर गलत कानून बना दिया, कानून गलत है मान लीजिए, तो हमारी हेल्प कौन करेगा? हमारा हाईकोर्ट तुरंत देखेगा, ये क्या किया इसने, गलत किया। मान लीजिए अब आपकी हरियाणा सरकार कोई कानून बना देती है कि जिसके घर में दो से ज्यादा बच्चे हैं उनको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, तो ये सही है या गलत? ऐसे तो लॉजिकली सही है, लेकिन अगर हम कहेंगे भाई ऐसा कैसे, भारत में तो हर चीज़ की आज़ादी है, कुछ लोग इस बात को उठा के पहुंचा देंगे हाईकोर्ट में, फिर हाईकोर्ट देखेगा क्या करना है क्या नहीं करना। असम ने ऐसा किया था, असम ने कहा जिसके घर में दो से ज़्यादा बच्चे हैं उन लोगों को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी, तो उनकी सरकार ने मान लिया, पूरे देश में नहीं है वहां था जब ये सर्बानंद सोनोवाल वहां सीएम थे। चलो आगे देखो इसमें, तो 13 और 226 में कहते हैं इसकी समीक्षा करवा दो। लास्ट पॉइंट टिक करना, हाईकोर्ट संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी कानून की वैधता का परीक्षण कर सकता है, सही कानून बनाया कि नहीं, संविधान के उपबंधों के अनुसार न होने पर उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है, पर हाईकोर्ट के इस निर्णय के विरुद्ध अपील की जा सकती है। ठीक है, लोक अदालत पे आ जाओ, अगले पेज पे पहुंचो सीधे। लोक अदालत, पहला पॉइंट देखो, लोक अदालत में कोई भी मामला दोनों पक्षों की सहमति से लाया जाता है, पहले टिक कर लो, दोनों चाहेंगे तो आएगा। लोक अदालत में सामान्यतः सिविल या दीवानी मामले लाए जाते हैं। क्या ये मारकाट वाले मामले देख सकती है? नहीं, पैसे, वसीयत, शादी, तलाक, ये देखती है, इसमें टिक करना। अगला पॉइंट, लोक अदालत के निर्णय अन्य किसी दीवानी न्यायालय के समान ही दोनों पक्षों पर लागू होते हैं, निर्णय अंतिम होते हैं। पहले ये क्या था, पहले कहा गया जब शुरू में बने ना, तो कहा कि इनके खिलाफ सुनवाई है, तो लोगों ने पता क्या मजाक किया, पहले वहां गए फिर बोले नहीं हम खुश नहीं हैं, फिर हाईकोर्ट गए, तो बाद में कहा अगर यहां जा रहे हो तो हाईकोर्ट नहीं जाओगे, रास्ते बंद। नहीं तो सबने मजाक बना लिया, पहले वहां जाते, दो तीन महीने वहां केस चलता, फिर हाईकोर्ट, तो डबल जजेस को सैलरी क्यों देनी? भाई वहां के जज का जो काम है वो कर रहा है, उसके बावजूद भी हाईकोर्ट में जा रहे हैं। फिर कहा आप नहीं जाएंगे, या तो हाईकोर्ट का रास्ता पकड़ लो या लोक अदालत का। ये टिक कर लो, लोक अदालतों द्वारा दिए गए निर्णयों के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती, ये बाद में किया है, लिख लो यहां, पहले की जा सकती थी। अगला टिक करना, लोक अदालतें एक प्रकार की इनफॉर्मल कोर्ट्स हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट टिक कर लो, फास्ट ट्रैक कोर्ट आपराधिक मामलों को सुलझाते हैं, क्रिमिनल को, 2001 में बने, आपराधिक मामलों को जल्दी और निश्चित अवधि में हल करने के लिए। भाई आज मैं क्लास ना इतनी ही लूंगी, मुझे थोड़ा गड़बड़ लग रही है अपनी तबीयत में।